शहर के बेसा अंतर्गत आने वाले मंगलदीप नगर में घर में पत्थर फेंकने के विवाद में तीन आरोपियों ने फरियादी पर पत्थर से वार कर हत्या करने की कोशिश करने का एक मामला हुड़केश्वर थाने में आया है। हुड़केश्वर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। आए दिन मामूली विवाद के चलते पत्थर से वार करने की घटना हो रही है। इसी क्रम में हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बेसा स्थित मंगलदीप नगर में ऐसी ही एक घटना हुई है। किसी अज्ञात ने फरियादी के घर में रात को पत्थर फेंका, जिसके बाद फरियादी घर से बाहर आया। घर के बाहर तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जिसके चलते फरियादी और आरोपियों में जमकर झगड़ा हुआ। तीनों आरोपियों ने धर्मेंद्र कुमन राव वानखेड़े पर पत्थर से हमला किया, जिसमें धर्मेंद्र घायल हुआ है। धर्मेंद्र वानखेड़े के दोस्त राजा बदलानी की शिकायत पर हुड़केश्वर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। हुड़केश्वर पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस घटना के बारे में हुड़केश्वर के पुलिस निरीक्षक प्रताप राव भोसले ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। 8 जून 2020 को रात को 8 बजे मंगलदीप नगर में धर्मेंद्र मुकुंदराव वानखेड़े राहणार प्लॉट नंबर 4 मंगलदीप नगर 2 बेसा रोड नागपूर याच्या राहते घरासमोर भांडणं झाली। त्यामध्ये आरोपी रिशीद वाके, आशिष लांजेलवार आणि प्रतीक पुहिले या तिघांनी तात्कालीन कारणावरून त्यांच्यात वादावादी झाली। तलवारीने भांडणं झाल्यामुळे तलवारीने त्या जखमी धर्मेंद्र वानखेडेवर हल्ला केल्यामुळे त्याच्या पाठीमाला गंभीर जखम झाली। त्याला मेडिकल उपचार कमी तात्काळ पोलीस घटनास्थळी जाऊन त्याला मेडिकल उपचारला ॲडमिट केलेलं आहे। तो आउट ऑफ डेंजर आहे। झालेल्या घटनेबाबत गुन्हा रजिस्टर नोंद करून आरोपींना अटक केलेली आहे। त्यांचा PCR उद्यापर्यंत आहे, तपास चालू आहे। शहर में छूटफूट घटना भी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिससे पुलिस का स्थिरता भी बड़ा हुआ है। हुड़केश्वर थाने से कैमरा पर्सन माइकल के साथ रामपुरी के साथ संजय मिरी की रिपोर्ट।